एक जमाना था गुस्सा चढ़ता था, अब गुस्सा नहीं चढ़ रहा। राशिद अब अफसोस हो रहा है कि सबसे पहले कि ये टीम न्यूजीलैंड की जो है ये जीत गई बैक टू बैक दो मैच, एक चैप्मन ने जिता दिया, लेकिन आज का मैच जो है वहां पे हमारी वल्नरेबिलिटीज बहुत सामने आ गई है। शर्म का मुकाम है, अब इन प्लेयर्स को शर्म आती नहीं आती, हमारे में तो शर्म है भाई, सीधी बात है। सी टीम आके आपको फेंटा लगा रही है और आपको मतलब यानी वो हाल आपका कर रही है, ऐसे लगता है कि आपकी सी टीम है और उनकी ए टीम है। मतलब मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सामने कौन सी टीम थी। हाउसफुल था। जब पाकिस्तान मैच हारा है ना तो रो रहे, सही ना? तो इन लोगों को उन बच्चों की वीडियो दिखा के बताना चाहिए कि बच्चे इतना लाइक करते हैं, कुछ शर्म करो। मेरे घंटे आज किस पे डालोगे? आज तो बॉलर्स ने रन कम करवा दिया आखिर में, तो इमाद भी मारे जा रहे थे। फिर कह रहा हूँ बुरा नहीं बनना पाकिस्तान के जो भटके हुए बच्चे हो, अगर नसीम खेल रहा हो तो विकेट पे बॉल अच्छा नहीं आ रहा, उसका बॉल अच्छा आता 25-20 रन ज्यादा बनाते। आपकी अभी PSL भी बढ़ गई है और अभी क्रिकेट भी उड़ गई है, इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। जो अफसोसनाक चीज है ना, वो ना कोई एम्पेथाइज कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ना समझ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस 24-25 करोड़ आवाम के लिए क्या हैसियत रखती है, क्या वैल्यू है इसकी। हमारे मजाज बदल के रख दिए। अफसोस ये है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है। उस्मान खान है, उसको लाए UAE से, ये जितने भी हैं ये PSL की प्रोडक्ट्स हैं, कोई किसी मतलब बैकएंड से जो भी है, ए जो हमारी ए लेवल की टीम है या जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको किसी भी तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा। सर अब हमारे पास सारे ओपनर्स हैं, ना हमारे पास मिडल ऑर्डर है। पासी जी, कैन वी प्लीज फाइंड आउट द वे आज की कॉन्वर्सेशन में कि ये चीज नहीं करनी पाकिस्तान की टीम को, कि ये चीज ना करें और ये चीज करें और इस तरह ये सलूशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। हमारे सलूशन निकालने का कोई फायदा नहीं है। न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 2-1 से शिकस्त देकर बर्तरी हासिल की है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा भड़क उठी है और खासकर राशिद लतीफ जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को कड़ी कड़ी सुना दी है। आइए आप लोगों के साथ पाकिस्तानी मीडिया की मुकम्मल वीडियो शेयर करते हैं। न्यूजीलैंड के बच्चों ने इन कमीनों का एक बार फिर घंटा बजा के रख दिया। यार बच्चों से हार गए, बैक टू बैक 2-1 हो गए सीरीज में। भाई लोग कहते हैं बाबर को बुरा भला ना बोलो, भाई कप्तान था, क्या किया उसने आज, क्या गंद फैलाया फहर जमान की इनिंग पे उसने। जो अच्छे मेरिट वाले प्लेयर थे, फहर चला, अमाद चला, ये वो प्लेयर थे जिनको बाबर अपनी साजिशों की वजह से बाहर बैठा के ला रहा नहीं था। अमाद वसीम भी चला, उसने हर तक फाइट की, वो लेके आया। आमर भी चला, जो प्रॉपर मेरिट वाले प्लेयर थे वो तो चले, बट बाबर आजम क्यों नहीं चला यार। बैक टू बैक दो मैच, एक चैप्मन ने जिता दिया, लेकिन आज का मैच जो है वहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटीज बहुत सामने आ गई हैं। हमारा सिस्टम नंगा होके रह गया है कदाफी स्टेडियम के मैदान पे। जी राशिद, नहीं नहीं आप अफसोस कर रहे हैं, मुझे बड़े हैरत हो रही है कि अफसोस कर रहे हैं। देखिए प्रोफेशनल हैं वो, क्रिकेटर हैं, हार गए और अच्छी तरह हारे, उनको एहसास हुआ होगा और नींद भी नहीं आएगी। वैल्यूज आपके स्टैंडर्ड क्या है क्रिकेट का, ये सबको पता चल जाना चाहिए जो सोशल मीडिया रन कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहे हैं, 178 किए उन्होंने और 20 रन कम किए, इन्होंने रन कम किए थे, हमने कम नहीं किए थे, उन्होंने रन कम किए थे। 174 पे हम आउट हो गए। रेजिस्टेंस इमाद वसीम की रही, फखर अच्छा खेले, इफ्तखार अच्छा खेले, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। आज किस पे डालोगे? आज तो बॉलर्स ने रन कम करवा दिया आखिर में, आज तो प्रेशर उनको पकड़ो जो ये कह रहे हैं कि 11 भाई मिलकर वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, उनको पकड़ो जरा भाई। ये 11 भाई, एक सच में बता रहा हूं, 11 भाई इन सौतेले भाई न्यूजीलैंड सी टीम के लड़कों से नहीं जीत पा रहे, 11 भाई घंटा लेकर आएंगे भाई। सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट सबू हाली का शिकार इसलिए हफीज भाई जो आप कहते हैं रे छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे थे, वापस आए हुए बुजुर्ग आमिर और इमाद वसीम लुक्स बेटर देन दीस प्लेयर्स। सिलेक्शन कमेटी कौन सी दुनिया में होता है? वहाब रियाज के काम चेक करो, सिलेक्शन कमेटी और वो समझ लो वो चीफ सिलेक्टर ही है, सीनियर मैनेजर की सीट लेके बैठ गए। ये हाल है, ठीक है। वो एक वो है, एक और सिलेक्टर रजाक, वो पता नहीं यहाँ है या अमेरिका गया हुआ है, शायद अमेरिका गया हुआ है, ठीक है। मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी के ये हालात हैं और जब ये लोग मजे लेने टीम में आए हुए तो टीम के हालात क्यों होने? सईद अजमल साहब बॉलिंग कोच, फास्ट बॉलिंग के बारे में कुछ बता सकता है सईद अजमल?
ये है आपका कोचिंग स्टाफ जिसको सिर्फ टीम के मजे लेने हैं, दांत निकल रहे हैं, एक आध कोचिंग स्टाफ के बंदे के दांत निकल रहे हैं, वहां पे टीम आ रही है और वहां डगआउट में बैठा दांत निकाल रहा है अपने सारे। 170 देखो 178 हम बनाते हैं तो हमसे सेफ नहीं होते, सामने वाली टीम 178 बनाती है तो हमसे बनते नहीं। अब जुमला क्या है, 4 रन से तो मैच हारे और 4 रन से तो आप मैच जब हारे जब इमाद हसीन ने नीचे से मार दिया फखर जमान जी, मतलब जिस वे में खेल रहा था, इफ्तिखार ने गलत शॉट मारा, शदाब साहब स्ट्राइक रेट की बात करने वाले बोंगी शॉट मार के आउट हो गए, उस टाइम पे किस तरह खेलते ये तो पता नहीं उन्हें। अच्छा उस्मान खान पहले से निकल गया प्लांटेड शॉट, और सबसे बड़ी बात साहिल मयूर, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको ये ही नहीं पता कि बैकलिफ्ट बोलते किस फोन ओपनर का बैकलिफ्ट किस तरह होता है, पहली बॉल से इतना हाई बैकलिफ्ट। अरे यार मोहम्मद यूसुफ जैसा बैटर मौजूद है उसको चाहिए इसको समझाए, और जहां पे बाबर आजम आउट हुआ उससे एक बॉल पहले उसने साहिल मयूर को बुलाया कि यार बॉल फंस रहा है, तो साहिल ने बोला नहीं बॉल तो सही आ रहा है इवन आ रहा है। जो अफसोसनाक चीज है ना वो ना कोई एम्पेथाइज कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, ना समझ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस 24-25 करोड़ आवाम के लिए क्या हैसियत रखती है, क्या वैल्यू है उसकी, हमारे मजाज बदल के रख दिए। अफसोस ये है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है और हम एक के बाद एक जो है वो गलतियां करते जाते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं अभी बाबर आजम से, शायद मैंने और आपने जितना बाबर को सपोर्ट किया वो उसकी एबिलिटी टू बैट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ऑल जनरेशन इन पाकिस्तान। PSL में हम बड़े खुश हुए कि उसने अपने स्ट्राइक रेट को कहते हैं ना आपका एंटी चेंज किया, इवॉल्व किया, फिर इंटरनेशनल मैचेस में आके ना रन्स हो रहे हैं ना फॉर्म नजर आ रही है ना स्ट्राइक रेट है। पिशावर जलमी का सईद अनवर या सैम अयूब क्यों नहीं चल रहा, वो उस्मान खान PSL का डॉन ब्रेडमैन क्यों नहीं चल रहा, वो चाचू क्यों नहीं चला यार, आप बच्चों के हाथों 2-1 हो गए हो, अब आप उनको सीरीज नहीं हरा सकोगे यार, अगला मैच जीतोगे तो आप सीरीज बराबर करोगे, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है, बट इन बहरतों को जरा सी भी शर्म नहीं आएगी, ये इतने डीट है ये आज किसी के ना 6 चौके सेलिब्रेट करेंगे, तूने शाबा मैच में 6 चौके मार दिए, आ तेरा केक काटे, टीम डाउन हुई है, हम 6 चौकों का केक काट रहे हैं, बाबर आजम ने 4 रन्स बनाए, आओ केक काटते हैं यार बाबर आजम के 4 रन्स का, ये हालत है पाकिस्तानी टीम की मेंटेलिटी है। राशिद लतीफ की बात आप लोगों ने मुकम्मल सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि पाक प्लेयर्स PSL में रोहित और मैक्सवेल बन जाते हैं और जब इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाती है तो वो T20 में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो कि इस दौर में अपने मजबूत वक्त में है जिसमें शाहीन अफरीदी, आमिर, नसीम शाह और इमाद वसीम ये सब मौजूद है, मगर इनकी मौजूदगी में न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को बिल्कुल एक्सपोज किया हुआ है। अगर यही हाल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में रही तो पाकिस्तान इंडिया से पीछे छूट जाएगा और इंडिया की ग्रुप में न सिर्फ टॉप पर होगी बल्कि वो प्लेऑफ्स को भी पहुंच जाएगी।